मैं हूं नमिता मुंदेला और आप देख रहे हैं हैप्पी न्यूज़ टीवी। और हम बात करेंगे आज एक ऐसे शख्स के बारे में जो हमेशा सेलिब्रिटीज से घिरा रहता है, बड़े बड़े राजनेताओं से घिरा रहता है, सुबह से शाम तक वो उनके बीच रहता है, लेकिन फिर भी अपने नाम और पहचान को हमेशा सीक्रेट रखता है। आप सब सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज का दौर तो जो कॉम्पिटिशन का दौर है, वीडियोज़ वायरल करने का दौर है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमेशा नए नए पोस्ट सब अपलोड करते रहते हैं ताकि उनका नाम पहचान सभी लोग जाने समझें। आप देखते होंगे कि जब हमारे शहर में कोई सेलिब्रिटीज़ आता है तो उसे देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ लग जाती है, और उससे अगर मिलना हो जाए तो फिर कहना ही क्या। जब हमें कोई सेलिब्रिटीज़ या नेता मिलता है, राजनेता मिलता है, तो हम उसका ऑटोग्राफ लेना और उनके साथ सेल्फ़ी लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और जब ये सेल्फ़ी हम ले लेते हैं तो हम उसे अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं ताकि सभी लोग वो देखें। और अगर और इतना करने के बाद भी हम अपने घर जाकर अपनी फैमिली को वो फ़ोटोज़ बताते हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जाकर बताते हैं कि कैसे हमारी मुलाकात सेलिब्रिटीज़ से हुई। कुल मिलाकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज का जो दौर है वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से मिलने की चाहत आजकल रहती है, सभी को राजनेताओं से मिलने की चाहत रहती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है इस दौर में, इस समय में, जो देश के बड़े बड़े राजनेताओं के बीच रहता है, सांसदों के बीच दिन भर रहता है, लेकिन उसे अपनी नाम और पहचान फिर भी हमेशा छुपा कर रखनी होती है। वो टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आप उसे पहचान नहीं सकते हैं जब वो आपको मिले। हम बात कर रहे हैं संसद में मौजूद मार्शल की। जी हाँ, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा जब कृषि बिल पास हुआ था, उस वक्त संसद में काफ़ी हंगामा हुआ था, और उस हंगामे को शांत करने में जो अहम भूमिका थी वो मार्शल की ही थी। इसीलिए हम इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल मार्शल चर्चा में उस वक्त भी आए थे जब मीरा कुमार सभापति थी, और मार्शल की जो ड्रेस थी वो चेंज कर दी गई थी, और जो ड्रेस थी वो बिल्कुल सेना की तरह उनकी यूनिफॉर्म कर दी गई थी, मतलब बिल्कुल सेना के जवान, वो सेना के अफसर वो मार्शल दिखाई देते थे। हालांकि अब इस ड्रेस को वापस चेंज कर दिया गया है, इस यूनिफॉर्म को वापस चेंज कर दिया गया है, और साधारण सी पगड़ी वाली वेशभूषा अब मार्शल को दे दी गई है। उस वक्त मार्शल काफ़ी चर्चा में आ गए थे अपनी यूनिफॉर्म्स को लेकर, और फिर से अब जब संसद में हंगामा हुआ, इस वक्त फिर से अब हंगामे को शांत करने के दौरान भी मार्शल अब फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि मार्शल का जो काम होता है वो बेसिकली किस तरह का होता है। सुबह जब संसद का सत्र चलता होता है, जिस दौरान मतलब कि पार्लियामेंट का जब भी कोई सेशन होता है, तब मार्शल की जो ड्यूटी है वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक की रहती है, और इस दौरान वो चेयरमैन के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। संसद में कौन सांसद मौजूद है, कौन से सदस्य नदारद हैं, इस बात की सारी जानकारी मार्शल को अपने पास रखनी होती है। और एक और चौंकाने वाली बात ये भी होती है कि 545 सदन के सदस्य होते हैं, और उन सभी के नामों को मार्शल अपने माइंड में पूरी तरह से बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि सभी के नाम उन्हें याद करने होते हैं, क्योंकि जब भी किसी के बारे में भी कोई जानकारी सभापति को देनी होती है तो वो मार्शल ही देता है। सदन के किसी भी सदस्य को यदि अपनी बात सभापति तक पहुंचानी है तो वो मार्शल के ज़रिए ही अपनी बात को सभापति तक पहुंचा पाते हैं। कोई पत्र देना है तो वो मार्शल को देते हैं, फिर मार्शल सभापति को देता है, यानी कि कुल मिलाकर देश के बड़े बड़े जो बड़े राजनेता हैं उनको अपनी बात सभापति तक पहुंचाने के लिए मार्शल का ही सहारा लेना होता है। और इसके बावजूद भी इनकी जो ड्यूटी होती है वो इतनी गोपनीय होती है कि यदि कोई आम शख्स मार्शल से मिलता है तो मार्शल उसे अपने नाम, अपनी पहचान कुछ भी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा होता है। इसके साथ ही जब सभापति सदन में एंट्री करते हैं, तब एंट्री से लेकर जब तक वो
सभापति उस संसद में मौजूद होते हैं तब तक मार्शल उनके साथ ही रहता है, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो मार्शल की ही होती है। यानी कि जब संसद में हंगामा भी होता है तब उस हंगामे को शांत कैसे करना है, सभापति तक कोई आ ना जाए, किसी का हाथ ना लग जाए, किसी का कोई फेंकी हुई चीज़ सभापति तक ना आ जाए, ये सारी जिम्मेदारी मार्शल बखूबी निभाते हैं। और इतना ही नहीं, काफ़ी चुनौती भरा इनका काम होता है, क्योंकि ये किसी के साथ अभद्र व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, ये भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा ही होता है। यानी कि जब हंगामा भी हो जाता है और सांसदों को, सदन के सदस्यों को जब बाहर निकालना होता है तब भी बहुत विनम्रतापूर्वक मार्शल उन्हें बाहर लेकर जाता है, उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनकी ड्यूटी में शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्शल की जो जिम्मेदारी है वो बेहद चुनौतीपूर्ण तो है ही, और इसके साथ ही यहाँ नियुक्ति कैसे होती होगी ये यदि किसी, क्योंकि जब भी हम टीवी पर देखते हैं मार्शल्स को, वो पगड़ी पहने होते हैं, अच्छे से ड्रेस पहने होते हैं, तो आप इसके लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, आखिर किस तरह से आपको अगर मार्शल बनना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये भी बात आपके दिमाग में आती होगी। तो मैं आपको बता दें कि मार्शल के पद पर नियुक्ति पाने के लिए सुरक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड पर कम से कम 3 सालों का अनुभव होना लाजमी है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर और सिक्योरिटी अफसर के रूप में कुल मिलाकर 5 साल का अनुभव होना भी बहुत ज़रूरी है। और मिनिमम 5 साल के अनुभव वाले सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड कर्मियों या ग्रेड 1 के सिक्योरिटी असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट ग्रेड पर कुल मिलाकर 10 साल के अनुभव वाले कर्मियों को ही वरीयता के आधार पर चुना जा सकता है। सिक्योरिटी विभाग में नियुक्त कर्मचारी पदोन्नत होकर भी इस पद तक पहुंच सकता है, यानी कि इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना, इसके लिए 5-10 सालों की मेहनत चाहिए होती है, अनुभव चाहिए होता है, तब जाकर आप उस पद तक पहुंचते हैं। तो अगली बार जब भी आप संसद की कार्यवाही देखें तब आप सभापति के पास मौजूद उन 2 शख्सों को, जो बिल्कुल उनकी हाइट थोड़ी लंबी होती है और मोटे तगड़े से भी वो दिखाई देते हैं, आप उन पर अपनी नज़र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये दोनों स्पीकर के आसपास खड़े होते हैं, बाईं साइड आपको मार्शल दिखाई देगा और दाईं साइड डिप्टी मार्शल दिखाई देगा। तो अब जब भी आप सदन की कार्यवाही देखें तो मार्शल पर जरूर नजर रखिएगा। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।